हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश में आज हम देखने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर में भी कौन से टॉपिक है? इज, आर, वाज, वेर। ओके, शुरुआत करते हैं इज, आर, वाज, वेर। द वर्ब्स इज, आर, वाज एंड वेर आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। द हेल्पिंग वर्ब्स इज एंड आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। हेल्पिंग वर्ब जो है इज एंड आर, वो कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। व्हाइल वाज एंड वेर आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वो आपको आपने सीखा होगा थर्ड में। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई बुक इज न्यू, मेरी बुक नई है। माई बुक वॉज न्यू, मेरी बुक न्यू थी। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से बोलते हैं क्योंकि अभी की बात है, और ये वॉज है वो पास्ट टेंस बोलते हैं क्योंकि ये हो चुकी है। यानी कि माई बुक इज न्यू, मेरी बुक नहीं है, अभी की बात है, नहीं है। और माई बुक वॉज न्यू, मेरी बुक नई थी, तो ये पास्ट टेंस बोलते हैं। जो थी है और थी दोनों में डिफरेंट है ना, अभी की बात है तो है और हो गई है बात तो थी। द बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज खेल रहे हैं। द बॉयज वेर प्लेइंग, अब वेर है, आर है तो प्लूरल फॉर्म है, ये बॉयज है तो आर आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए आर आएगा। एक होता तो इज आर। यहाँ पे भी ऐसा ही है, आर का जो पास्ट है, आर का पास्ट क्या होगा? वेर होगा। ओके, क्योंकि बॉयज है ज़्यादा है तो यहाँ पे वेर ही आएगा और पास्ट है। द बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज खेल रहे हैं। द बॉयज वेर प्लेइंग, बॉयज खेलते थे। ओके, दोनों में डिफरेंट है। तो एनडबल नाउ, नाउ मीन्स प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अभी नाउ मीन्स अभी, तो प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एंड बिफोर मीन्स पहले का, जो फिनिश्ड हो गया है, उसे पास्ट टेंस बोलते हैं। तो आई एम रीडिंग, तो इसका पास्ट क्या होगा? आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था। ओके, यू आर प्लेइंग, यू वेर प्लेइंग, आप खेलते हो, आप खेल रहे थे। बिफोर की बात हो रही है और ये अभी की, नाउ यानी कि अभी की बात है और बिफोर यानी कि पहले की बात है। तो राज इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। राज वॉज क्लेवर, ही वॉज क्लेवर। तो राज क्लेवर है और राज क्लेवर था। नेक्स्ट है मीना इज डांसिंग, शी इज डांसिंग। मीना है तो मीना की फिर से बात करनी है, तो मीना लड़की है तो शी का यूज किया या मीना वॉज डांसिंग, मीना डांस कर रही है। द कैट इज स्लीपिंग, कैट सो रही है। द कैट वॉज स्लीपिंग, कैट सो रही थी। यहाँ पे कैट है वो क्या है? मनुष्य नहीं है, वो लड़का या लड़की नहीं है, जो ही या शी आएगा। इट आएगा, इट इज स्लीपिंग, इट वॉज स्लीपिंग। वी आर स्टडिंग, वी वेर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे। द बॉयज आर क्विट, दे आर क्वाइट। द बॉयज वेर क्विट, दे वेर क्विट। बॉयज शांत थे, बॉयज शांत थे। ओके, ऐसे हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आर एंड वॉज वेर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है द शॉप इज ओपन, द शॉप इज ओपन, यानी कि नाउ की बात हो रही है। द शॉप इज ओपन, नाउ है तो इज आएगा। द शॉप वॉज ओपन, ये बिफोर की बात हो रही है, पहले की बात तो वॉज आएगा। द कप ब्लैंक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कप है तो नाउ अभी की बात हो रही है, तो क्या आएगा? आई एस इज आएगा। एंड द कप ब्लैंक ऑन द टेबल, बिफोर की, बी बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर की बात ये हो रही है तो पहले की बात है तो क्या आएगा? वॉज आएगा। नेक्स्ट है द गर्ल्स ब्लैंक स्किपिंग, नाउ अभी की बात है और द गर्ल्स ब्लैंक स्किपिंग,
तो अभी फ़र्क है यहाँ पे पहले की बात अभी की बात यहाँ पे लिखने की और यहाँ पे पहले की बात लिखने की, तो लेकिन पहले आके देखना पड़ेगा कि क्या है, प्लूरल है या गर्ल्स है, मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है तो नाउ है, तो ये आ रही आ रहा आएगा क्योंकि मोर देन वन है, ज़्यादा लड़कियाँ हैं प्लूरल फॉर्म में, इसलिए द गर्ल्स। आर का पास्ट क्या होगा बिफोर में, वेयर, ओके डब्ल्यू आर ई। नेक्स्ट है द हॉर्स बैक जंपिंग ओवर द फेंस, हॉर्स है वो जंपिंग कर रहा है तो अभी की बात है, तो द हॉर्स इज आएगा क्योंकि द हॉर्सेज नहीं है, प्लूरल नहीं है इसलिए। द हॉर्स बैक जंपिंग ओवर द फेंस ए बिफोर की बात है तो पहले की, तो क्या आएगा वॉज आएगा। नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्लीपिंग नाउ, तो अभी की आई एस इज एंड यू ब्लैंक स्लीपिंग बिफोर पहले की, तो यू वॉज आएगा। सर यहाँ पे यू के साथ आर आता है। आई एम यू आर वो सब आपको आता है ना, ही इज शी इज इट इज, तो यू के साथ आर आता है तो यू ब्लैंक स्लीपिंग, तो नाउ अभी है तो आर आएगा, यू ब्लैंक स्लीपिंग तो ये पास्ट की प्रिफर किए तो यू वेयर आएगा, डब्ल्यू आर वेयर। जय ब्लैंक ब्लैंक टायर्ड, जय की बात हो रही है एक ही लड़का है और नाउ की अभी की बात है तो आए जय इज आए आई एस ई। नेक्स्ट जय ब्लैंक टायर्ड तो प्रिफर की बात है तो इसका पास्ट क्या आएगा वॉज। द स्कूल्स ब्लैंक क्लोज, स्कूल्स है एक से ज़्यादा स्कूल की बात हो रही है, मोर प्लूरल फॉर्म है तो एंड अभी की बात है तो क्या आएगा ए आर ई आर आएगा। एंड द स्कूल्स ब्लैंक क्लोज, स्कूल्स मोर एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म है तो बिफोर एंड के पास की बात करें तो पास में क्या यूज करेंगे डब्ल्यू आर ई वेयर यूज करेंगे। नेक्स्ट है माई बुक्स ब्लैंक न्यू, मेरी बुक्स नहीं है मेरी एक से ज़्यादा बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो और नाउ है तो आई एस ए आर ई आ रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा बुक है इसलिए। तो यहाँ पे माय बुक ऐसा नहीं होता, अकेला प्लूरल फॉर्म नहीं होता तो आई एस इज आ माय बुक्स वेयर क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है द पैरट ब्लैंक इन द केज, द पैरट ब्लैंक इन द केज, यहाँ पे पैरट एक ही पैरट है दोनों में और एक नाव की बात है, नाव में आई एस ईज आएगा और बिफोर में पास्ट में डब्ल्यू एस वॉज आएगा। नेक्स्ट है वी ब्लैंक रनिंग, वी है तो वी के साथ क्या आएगा ए आर ई आर आएगा लेकिन नाव है इसलिए आर आएगा, बिफोर इसमें आर नहीं आएगा क्योंकि बिफोर पहले की बात एक बात हो चुकी है तो पास्ट क्या आएगा डब्ल्यू आर ई वेयर आएगा, वी वेयर रनिंग। नेक्स्ट है योर बैट ब्लैंक ब्रोकन, बैट है और योर बैट इज नाउ अभी की बात करें बैट है इसलिए आई एस ई जाएगा और योर बैट ब्लैंक ब्रोकन बिफोर पहले की बात है तो वो जाएगा तो डब्ल्यू एस वॉज। तो आपको पता चल गया वॉज वेयर, तब अपने ग्रामेटिकल पॉइंट में देखा इज आर वॉज वेयर देख लिया आपने, तो हम टेक्स्ट बुक में हमारे पॉइंट में पेज नंबर 30 में बाकी रखा था यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प बॉक्स है इसमें वॉज एंड वेयर है दोनों का यूज़ करके हमें ब्लैंक्स फिल करने की। तो राम ब्लैंक अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो राम गुड फुटबॉल प्लेयर है और राम है अकेला राम है तो एक अकेला है तो क्या आएगा वॉज आएगा, ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। द काउज ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो काउज है मोर देन वन है एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा वेयर आएगा डब्ल्यू आर ई वेयर। नेक्स्ट है माई टॉयज ब्लैंक ब्रोकन, माई टॉयज एक से ज़्यादा है इसलिए क्या आएगा डब्ल्यू आर ई वेयर आएगा। नेक्स्ट है हर फ्रॉक ब्लैंक टू लॉन्ग, इसकी फ्रॉक लंबी है तो एक ही फ्रॉक है तो वॉज आएगा डब्ल्यू ए एस वॉज।
द मार्केट बैंक क्लोज्ड, तो ये अकेले मार्केट की बात हो रही है, तो मार्केट वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन बैंक हैप्पी, यहाँ पे चिल्ड्रन मीन्स एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वेयर आएगा, डब्ल्यू आर ई वेयर। द फॉलोवर्स फ्लावर फ्लावर्स लेंग कैप इन द फेस, फ्लावर्स बहुत सारे फ्लावर्स की बात हो रही है, तो फ्लावर्स वेयर, डब्ल्यू आर ई वेयर आएगा, कैप इन ए वाज। तो बच्चों आपको पता चल गया वॉज एंड वेयर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वॉज और वेयर दोनों पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे बिफोर वाले में, और इज और आर है वो नाउ में यूज़ करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में वॉज एंड वेयर को ही फिल करना था तो हमने पढ़ लिया। ओके, तो ये आप ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स बना के भी लिख सकते हो, और ये आप अपने वर्कबुक और टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।